हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौवा सेकंड फॉर्म। जो क्वेश्चन हम लोग कौर वन फॉर्म में किए थे वही सेम क्वेश्चन है। इसका हम लोग कौर टू फॉर्म निकालेंगे जो कि आरसी नेटवर्क है। तो पहले इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। तो ये हम लोग एस को एस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा 4s, और फिर एस को 6 से 6s हो जाएगा। फिर 4 को फिर एस से करेंगे तो 4s प्लस 4 × 6 24 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो एस क्यूब प्लस 3 × s 3s प्लस फिर एस इंटू सॉरी एस स्क्वायर है। उसके बाद फिर एस को हम लोग 5 से करेंगे तो 5s, उसके बाद 3 को 5 से यहाँ 15 हो जाएगा। फिर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 24 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। ये हमारा ऐसे हो जाएगा। इसको मैं फिर से यहाँ पे प्रॉपर लिख लेता हूँ जेड एस सिंप्लीफाइड मोड में। जेड एस इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 24 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी चीज़ को, अब ये कॉर टू फॉर्म है, कॉर टू फॉर्म में हम लोगों को अपोजिट साइड से फिर से लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, 24 प्लस 10s प्लस एस स्क्वायर अपॉन 15 प्लस 8s प्लस एस स्क्वायर। हम लोग बस इसको अपोजिट साइड से जो राइट हैंड साइड में उसको पहले लिखेंगे, फिर 8s को, फिर एस स्क्वायर को, फिर ऊपर 24 फिर 10s फिर एस स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर नॉर्मल जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड रहता है वो हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो अंदर रहेगा हमारा 15 प्लस 8s प्लस एस स्क्वायर, ये रहेगा, और बाहर रहेगा 24 प्लस 10s प्लस एस स्क्वायर, ये रहेगा। अब 24 को 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे। हम लोग को यहाँ पहले सेम नंबर लाना है, 15 लाना है। तो यहाँ पर मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ, रफली में अगर हम लोग 15 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पास 5/8 आएगा। तो यहाँ पे 5/8 लिखे और 24 को 5/8 से करेंगे तो यहाँ 15 आएगा। यहाँ का ये जो नंबर है ये सेम आना चाहिए, यहाँ 15 आया। अब 10s को 5/8 से करेंगे तो क्या आएगा, 10s इंटू 5/8, ये हो जाएगा 10 × 5 = 50/8, ऐसा आएगा। और फिर इसको 2 से अगर हटाएंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 25/4, यहाँ पास एस 25/4s। और अब एस स्क्वायर को हम लोग करेंगे 5/8 से तो क्या हो जाएगा, 5s² / 8, यहाँ पास 5s² / 8, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये तो कट गया। फिर 8s को 25s/4 से करेंगे, 8s को 25s/4 से करेंगे तो 4 यहाँ चल जाएगा, 32s माइनस 25s/4, ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारा, ये 7s/4 आ जाएगा। तो यहाँ पास आ गया 7s/4, यहाँ पास आ गया। अब एस स्क्वायर को 5s² / 8 से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3s² / 8, ऐसे आ गया। अब इसको यहाँ पास फिर से लिख देना है, 24 प्लस 10s प्लस एस स्क्वायर, ऐसे लिखे। अब 7s/4 को 24 से डिवाइड करेंगे तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे, मतलब वो आज नंबर आ जाएगा जिससे हम लोग को इसको इंटू करेंगे तो यहाँ 24 आएगा। तो फिर यहाँ पे फिर से 24/7s/4 करेंगे, तो 20 ये करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा हमारा 96/7s, ये आएगा। अब 7s/4 को 96/7s से करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ 24 आया। अब 3s² / 8 को 96/7s करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 36s/7 आ जाएगा। फिर और तो नंबर है नहीं इसके बाद, मतलब कि अगर एस स्क्वायर से अगर इंटू करना है तो यहाँ पास एक और नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एस स्क्वायर था, यहाँ पे कोई थर्ड नंबर तो है नहीं जो इसे इंटू होगा या डिवाइड होगा, तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। और ये तो कट गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये 24 कट गया। फिर यहाँ पास आ जाएगा हमारा 34s/7, और ये एज इट इज़ प्लस एस स्क्वायर, ये हो गया।
और इसको फिर यहाँ लिख देना है 7s/4 प्लस 3s² / 8, ऐसा लिखे। अब 34s/7 को इसे डिवाइड करेंगे, मतलब कि 7s/4 डिवाइडेड बाय 34s/7, ऐसे करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, 49s 49 हो जाएगा और ये ss तो कट जाएगा, तो हमारा टोटल यहाँ पास क्या आ जाएगा, 49/136। अब यह अगर हम लोग 34s/7 को 49/136 से करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 7s/4, और s² को हम लोग इससे करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 49s² / 136 ये आ जाएगा। ये यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये तो कट गया है ना। और इसको 3s² / 8 को 49s² / 136 से करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा s² / 68, ये आएगा। फिर इसको सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देना है 34s, ये 34s/7 प्लस s² ऐसे लिखे। फिर अब इसको करना है, पहले इसको हम लोग इसे डिवाइड करके देखेंगे, 34s/7 डिवाइडेड बाय s² / 68, ऐसा करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2312/7s, इस टाइप का आ जाएगा हमारा। तो अब ये आ गया 2312/7s। अब ये s² / 68 को 2312/7s से करेंगे तो यहाँ पास आएगा 34s/7, और सेकंड नंबर तो है नहीं कि इसको हम लोग लिखेंगे, ये कट गया, यहाँ पे s² आ गया, और इसको सेम एज इट इज लिख देना है 2312, नहीं इसको लिखना है s² / 68, ये लिख दिए। अब s² / 68 है तो 1/68 से करेंगे तो सिंपल है, s² को 1/68 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, s/68 आ जाएगा। ये कट के ये जीरो आ गया, रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया, मतलब एक भी नहीं बचा, पूरा इसको डिवाइड करना है, तब तक करना है जब तक नीचे जीरो ना आ जाए। अब जीरो आ गया तो हम लोग को जो क्वेश्चन मिला है उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखना है। इसी क्वेश्चन के हिसाब से ही हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा RC नेटवर्क का। तो ये जो है 5/8, मतलब कि ये टोटल कांस्टेंट है, कोई भी इसमें एस या कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा Z1, इसको Z1 लिखेंगे, इसको Y2, इसको Z3, इसको Y4, इसको Z5, Z5 पहले ऐसे लिख दीजिएगा है ना। और उसके बाद फिर जो 5/8 है, ये जो 5/8 दिया हुआ है, 5/8 मतलब कि हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म मतलब कि रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पास हम लोग जब इसका नेटवर्क बनाएंगे RC नेटवर्क, तो पहले यहाँ पास ये रहेगा कांस्टेंट टर्म, और हाँ ये जो जो 5/8 है, 96/7s है, ये सब हमारा कोर टू फॉर्म में जस्ट इसका उल्टा लिखना पड़ता है, तो इसको लिख देंगे 8/5 ओम। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, 96/7s आ रहा है, तो ये एस वाला टर्म है, एस टर्म मतलब कि यहाँ पे कैपेसिटर आएगा। क्यों कैपेसिटर आएगा, क्योंकि RC नेटवर्क है, अब इंडक्टर तो आएगा नहीं, तो कैपेसिटर ही लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पास हम लोग कैपेसिटर बना दिए। अब कैपेसिटर के लिए यहाँ पास इसको भी जस्ट उल्टा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7/96 फैरेड, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे जाएंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब कि रेजिस्टेंस, इसको लिख देंगे 136/49, उल्टा लिखना पड़ता है, यहाँ ओम लिख देना है। और फिर ये क्या है, हमारा कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर आ जाएगा तो यहाँ पास भी उल्टा उल्टा लिखना है, इन्वर्ट करके 2312 फैरेड। उसके बाद फिर यहाँ पास फिर से हमारा आ गया क्या, रेजिस्टेंस, नीचे रेफरेंस लाइन पूरा कनेक्ट कर देना है, इसको 68 ओम, ये 1/68 है, इसको उल्टा क्या हो जाएगा, 68 ओम हो जाएगा, और ZS=V। ये हमारा आ गया RC नेटवर्क। तो ये RC नेटवर्क इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन डिपेंड करता है मतलब कि जो हमारा ZS आ रहेगा उसको जस्ट उल्टा लिख देना है, जैसे s² + 10s + 24 है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, 24 + 10s + s², ऐसा लिख देना है, और नीचे भी एज इट इज़ करना है, फिर डिवाइड करके नीचे यहाँ पर जीरो आना ज़रूरी है, ये जीरो आएगा। तो आपको रफली डिवाइड रफली में रफ में आपको मल्टीप्लाई इंटू करना पड़ेगा, अगर आपके पास PLC है तो और ईजी हो जाएगा, और जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हमारा RC नेटवर्क बन जाएगा। तो ये था हमारा कोर टू फॉर्म RC नेटवर्क का, कोर वन फॉर्म पहले को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ सेम क्वेश्चन का RC नेटवर्क के लिए है ना, तो कोर टू फॉर्म के लिए इसको आप देख सकते हैं।